आज की हमारी जो दूसरी कहानी है वो है श्री प्रणब मुखर्जी, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, और उनके आगे जो सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है कि राष्ट्रपति भवन की अय्याशी तो उन्होंने पूरी भुगती है, अब आगे क्या करें। ये देखिए, ये इसी तरह बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर। मुकेश का गाना है, जाऊं कहां बताए दिल। और हम एक आपको दूसरा छोटा सा जरूर सुनाएंगे, उसके बाद हम इनकी कहानी बताते हैं। इनके दिमाग से प्रणब मुखर्जी के इस समय क्या गुजर रहा है, ये जरा इस गाने में सुनिए आप जरा। अब हो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, भूल जा अब हो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली, कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे वो ना जिसका माली, तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। ये श्री प्रणब मुखर्जी बहुत ही ज्यादा, अब क्या वर्ड बोलूं, मेरी हिंदी खराब है, हिंदी में है ये बहुत ही चालू पॉलिटिशियन है, बॉम्बे में लोग बोलते हैं चालू। प्रणब मुखर्जी को पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मदद देने वाला आदमी था धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी इस मुल्क के सबसे करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में रहा है, और प्रणब मुखर्जी पैसा ढूंढ रहे थे, पैटर्नेज ढूंढ रहे थे। प्रणब मुखर्जी की मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूं, ये लेक्चरर थे कॉलेज में इकोनॉमिक्स के, इनके पास लॉ डिग्री भी है, इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इनका इनके लड़के अपने लड़के को ये राजनीति में लाना चाहते थे, उसको उन्होंने दो बार टिकट भी दिलवाया कांग्रेस पार्टी से, लेकिन शायद वो लड़का एक बार जीता और दूसरी बार वो हार गए। प्रणब मुखर्जी को उसके बाद ये पूरा एहसास हो गया था कि उनका लड़का नालायक है और उनको जो भी कुछ करना है उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रणब मुखर्जी से कई एनकाउंटर हुए, मैं एक किस्सा आपको बताता हूं। जो पिछला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, मैं प्रणब मुखर्जी को सन 1990 से जानता हूं, मतलब 25 साल से जानता हूं मैं इस आदमी को। इस आदमी के साथ मैंने घंटों बैठकर बात की है। राजीव गांधी की जो इंस्ट्रक्शंस आती थी उनको लेने के लिए रात के 2-2 बजे तक बैठे रहते थे। असली जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जब पी सांगवा ने मन बनाया कि वो प्रणब मुखर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, इतना मैं बता दूं, सांगमा अब नहीं बचे, यंग एज थी उनकी, लेकिन वो आदमी में प्रिंसिपल्स है, वो आदमी हिंदुस्तान के लिए कुछ करता। मेरी समस्या ये थी कि मैं बीमार चल रहा था, मैं उसमें हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। सांगमा एक मिजोरम का पॉलिटिशियन है,
और जहां तक प्रणब मुखर्जी की बात है तो आपको पता लगेगा ना तो सिर्फ इनके हिंदुस्तान की सारी पार्टियों के अंदर इनके कनेक्शन है, ये आदमी इतना कैपेबल है कि पता लगेगा कि पाकिस्तान के भी, ईरान के भी, इराक के भी और सीरिया के पॉलिटिशियनों से भी इसके पर्सनल कनेक्शन है। ये आदमी की राजनीति यही है, अमीरों के काम करो और फिर वो तुम्हारे उसके बदले में आकर तुम्हारा काम करेंगे। और उसी सीढ़ियों को चढ़ते 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 ये राष्ट्रपति बने, लेकिन अब उनकी आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और इनके दिमाग में ये था कि जब मैं राष्ट्रपति नहीं रहूंगा तो ममता बनर्जी मेरे को तमिल मनीला कांग्रेस ने ले लेंगी, अपनी पार्टी में ले लेंगी। मुश्किल इसमें प्रणब मुखर्जी ने जो एक ब्लंडर किया वो ये किया, ममता बनर्जी ने कहा है कि कहा था कि मैं डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ हूं, जो भी डीमोनेटाइजेशन नरेंद्र मोदी ने किया है वो गरीबों के खिलाफ है। ये बात उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बोली थी, उन्होंने कहा था प्रणब मुखर्जी को आप उस ऑर्डिनेंस पे साइन मत करिए क्योंकि वो गरीबों के खिलाफ है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जीएसटी का जो बिल है जो 30 जून 2017 को पास हुआ उस पर आप दस्तखत नहीं कीजिए। प्रणब ने ममता बनर्जी की कोई बात नहीं मानी, उन्होंने दोनों बिल्स पर साइन किया। वो इस चक्कर में भी रहे कि वेंकैया मुरली मनोहर जोशी की तरह वो भी लाइन में थे प्रेसिडेंट बनने के लिए दोबारा, लेकिन इन लोगों की उम्र बढ़ चुकी है, इन्होंने सब कुछ दुनिया में देख लिया है। इन लोगों की सत्ता की हवस क्यों नहीं जाती? हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों की ये सत्ता की हवस क्या है? इसी कहानी के साथ चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना।